केसी त्यागी जी, क्या दिख रही है तस्वीर? क्या वाकई उम्मीद करें कि आज जिन कदमों का ऐलान किया है निर्मला सीतारमण जी ने, उसके जरिए थोड़ी राहत पहुंचेगी उन मजदूरों की, जिनकी तस्वीर हम देखते हैं और दिखा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी, दहल जाता है मन। अंजना जी, मैं कई दिन से आपके चैनल पर असली भारत के उन गरीब लोगों की तस्वीरें देख रहा हूँ, लेकिन आज की जो बहस है उससे मैं निराश होना चाहता हूँ। आज रूरल इंडिया, एग्रेरियन जो संकट है उस पर ब्यौरेवार बहस होनी चाहिए। संकट बहुत गहरा है। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से भी कहना चाहता हूँ, 1930 के बाद की ये सबसे बड़ी मंदी है और 1918 के बाद की ये सबसे बड़ी महामारी, और ये खाली बीजेपी की सरकार की देन है, मोदी जी की देन है, या ये पुरानी सरकार की देन है, मैं इस बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। पूरी दुनिया संकट में है, पूरी मानवता संकट में है। आज भी और कल भी किसानों को लेकर के केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा जो राहत दी गई है उसका रोहन जी हम सब लोग स्वागत करें और देखें कि बीमारी है क्या। 40,000 करोड़ रुपए रोज का घाटा भारत सरकार का है। वर्ल्ड बैंक IMF ने घोषणा की है कि भारत की जो GDP है वो माइनस में भी जा सकती है। 1% से कम कहने वाले तो बहुत लोग हैं, लगभग 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे या हो गए हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं। नए रोजगार के अवसर कई सालों तक सर्जित होंगे या नहीं होंगे उसकी भी संभावनाएं हैं। आज अंजना जी, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर है जिसने थोड़ी सी राहत आपको पहुंचे, और वो है ग्रामीण सेक्टर, वो है किसान। भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक, मेरी जानकारी के मुताबिक, मई 31 तक हमारे पास 10 लाख करोड़ टन का हमारे पास गेहूं और इस समय हमारे उसमें भंडार में होगा। अपनी धरती माँ का सीना चीर करके किसानों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने ये काम किया है। आज होना चाहिए था कि किसानों की भी वाहवाही करो और उनके लिए ये राहतें और होनी चाहिए। मैं उसका जिक्र करूंगा तो ये बहस लंबी भी हो जाएगी, लेकिन मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि रोहन जी, ये मुसीबत मानवता पर है। ये अटल अडवाणी जी ने या मनमोहन सिंह जी ने पैदा नहीं की है, ये प्राकृतिक प्रकोप है, और हम आप सब मिलकर के भी रास्ते निकालेंगे तब भी हमारी मंजिल कमजोर पड़ेगी। लिहाजा ये बढ़िया बढ़िया सुझाव दीजिए। मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिस्ट हैं, प्रधानमंत्री लगे हैं, सब मिलकर के कोई रास्ता ऐसा निकालें कि संकट से कैसे दूर हो जी। आज 70 लाख टन गेहूं का ऑर्डर आया है केंद्र सरकार के पास, यानी कि यही तबका एक ऐसा है, तो इसके लिए क्या क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए जो सरकार ने आज की हैं। बहुत अच्छा किया, हम उसका स्वागत करते हैं, इसके जरिए ही इनकलाब हो जाएगा ऐसा भी हम नहीं मानते। लिहाजा क्या क्या और अच्छी चीजें होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। इस साल जितनी फसल थी वो तो आ गई, लेकिन फल नहीं आए, फूल नहीं आया, सब्जी नहीं आई। दोनों मंडी, अच्छा खन्ना की मंडी हो पंजाब की या आजादपुर की मंडी हो, हिमाचल के मेरे किसान, पंजाब के मेरे किसान, जम्मू कश्मीर के मेरे किसान जो फल पैदा करते हैं, फूल पैदा करते हैं, सबकी फसल बर्बाद होगी। टमाटर मंडी के बजाय खेतों में रह गया, नाशपाती नहीं आई, आड़ू नहीं आया, ये आपका सेब नहीं आया, कोई से आपके जितने पेरिशेबल फ्रूट्स हैं वो नहीं आ पाए। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उतना बढ़िया नहीं है कि हर राज्य के अंदर बहुत सिस्टमेटिक मॉडर्नाइज आपके पास वेयर हाउसेज होते हैं। मैं वेयर हाउसेज का चेयरमैन रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेयर हाउसेज की संख्या अगर बढ़ी होती तो कई फसलों की, कई फूलों की उम्र और म्याद 3 या 4 दिन की होती है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए अगर कांग्रेस के मेरे मित्र सुझाव दें तो उसका भी मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, और भी सुझाव है, MSP है। नहीं, त्यागी जी, वो मैं पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ। एक सेकंड त्यागी जी, वो उनका सुझाव तो ये है ही नहीं, उनका सुझाव तो ये है जो राहुल गांधी पहले भी बोल चुके हैं कि 13 करोड़ लोगों को
जो गरीब हैं उनको आइडेंटिफाई करके आप सीधा 7,500 रुपए उनके अकाउंट में डालिए, इससे इतने इतने का खर्च आएगा, सीधे पैसा लोगों के हाथों में दीजिए। मैं इस पर आऊंगी, मैं रोहन जी इस पर, कि आप सबको ऐसे सरकार पैसा बांटे या फिर उद्योगों को मजबूत करे और उसके जरिए आगे बढ़े।